हेलो दोस्तों, कैसे हो? जैसे होंगे बढ़िया होंगे। तो मैं सोने वीडियो लेके गए जा रहा हूँ पोचिंग की में, और भाई बहुत सारे बंदे आएंगे यहाँ पे, बस देखते जाओ, मजा आने वाला है पूरा। तो भाई जल्दी से उतरते हैं, गन वगैरह लूटते हैं, और फिर पीछे एक स्क्वाड उतरी थी तो वहाँ पे चलेंगे फिर। तो गाइस अब बात करते हैं बहुत कमाल एप्लीकेशन की जिसका नाम है गेमिंग घर। गाइस यहाँ पे आप पबजी, लूडो और कॉल ऑफ ड्यूटी खेल के अच्छे खासे पैसे अर्न कर सकते हो। एंड यहाँ पे डेली टूर्नामेंट होते रहते हैं पबजी मोबाइल, कॉल ऑफ ड्यूटी और लूडो के। और पबजी के इसमें आपको फ्री टूर्नामेंट्स भी देखने को मिलेंगे जिसमें कि आप ज्वाइन करके अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हो। यहाँ पे हर संडे रॉयल पास का गिव अवे भी होता है, तो आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। और अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो आप रॉयल पास भी जीत सकते हो। साथ ही साथ इसमें आपको रेफरल अर्न का भी ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि आप अपने दोस्तों के साथ इस ऐप को शेयर करके पैसा अर्न कर सकते हो। और यहाँ पे आप जो भी कॉइन्स अर्न करोगे वो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो, जो कि बहुत कमाल का फीचर है। और यहाँ पे पैसे विड्रॉ करना भी काफी ज्यादा इजी है, आप पेटीएम या गूगल पे नंबर से अपने पैसों को विड्रॉ कर सकते हो। तो सही है गाइस, आप फ्री में टूर्नामेंट्स खेल सकते हो, पेड टूर्नामेंट्स भी खेल सकते हो, और हर संडे रॉयल पास का गिव अवे भी होता है, आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो गाइस काफी बढ़िया ऐप है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इस ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर जरूर पार्टिसिपेट करिए एंड अपना रॉयल पास या फिर अपनी यूसी कमाइए। और हाँ गाइस, अगर आप iOS यूजर हो तो गेमिंग घर के इंस्टा अकाउंट पे रजिस्टर कर सकते हो, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे गाइस हमारे पास कारेल थी, शॉटगन थी और लेवल 1 का हेलमेट था। सामने भेजी दिखते हैं, इनको मैं खत्म कर देता हूँ और फुल फिनिश भी मारेंगे जाके। और वैश के नाम पे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, और हेलमेट भी यार काम चला हुआ, मतलब इसका बस नाम है हेलमेट, ये करता कुछ नहीं है। यहाँ पे इस बंदे को मैं खत्म कर देता हूँ। और भाई पीछे से किसी ने पिस्टल भी चलाई है, इसका मतलब कोई था भी है जो पिस्टल विस्टल है जिसपे सिर्फ, तो उसको देखते हैं यार, मतलब आसानी से मिल जाएगा उसका किल। लेकिन अब एक बंदे के फुटस्टेप्स आ रहे थे साइड में से, और भाई उधर से भी बंदे को फुटस्टेप्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे बीच में फंस चुका था, तो थोड़ी देर में यहाँ पे वेट कर रहा था। और एक बंदे के यार फुटस्टेप्स आ रहे थे बहुत नीचे से, तो मुझे लगा भाई इस वाले कमरे में होगा, लेकिन होता नहीं है। ये भैया जीते हमारे पिस्टल वाले। तो यहाँ पे कैसे क्या करेंगे, थोड़ा ऊपर से जाने की कोशिश करेंगे रूफ के ऊपर से, कि भाई एंगल वगैरह मिले तो भाई निपटाएंगे बंदों को। और सामने भैया एक बंदा दिख जाता है मेरे को, तो इस बंदे को मैंने बहुत ज्यादा हिट दिया यहाँ पे, काफी ज्यादा लो था ये बंदा, तो इस पे रश मारते हैं। और शेक में से भैया एक बंदे के फुटस्टेप्स आ रहे थे, तो उसे पकड़ते पहले। और यही शायद बंदा था जिसको मैंने मतलब 3 गोलियां मारी थी, काफी लो था ये बंदा। और इन भैया जैसे बुरी किस्मत किसी की हो सकती है गाइज, मेरी हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। अब यहाँ पे देखो भाई, उधर भी बंदा है ट्रिपल स्टोरी में, उधर भी बंदा है जो कि आ रहा है मेरी तरफ धीरे धीरे भाग के। लेकिन भाई यहाँ पे जल्दी से हीलिंग कर लेता हूँ मैं, और भाई निपटाते हैं। तो यहाँ पे इस बंदे को मैं निपटा देता हूँ, लेकिन भाई सामने से एक बंदा यूजी चला रहा था, तो उसको भी देखना पड़ेगा। लेकिन इन भैया जी की किस्मत कुछ ज्यादा ही बुरी थी, मतलब किसी और ने निपटा दिया उसे। तो ये भैया जी शायद मेरे पे रश मार रहे थे, या फिर उस बंदे को लूटने आ रहे थे जो इन्होंने मतलब यूजी से उड़ाया था। अब मुझे दिखता है ये वाला बंदा, और भाई इस बंदे के पीछे किसी ने चाबी भर दी थी, और भाई ये भागा चला गया, मतलब ऐसा लग रहा था इसे देख के। तो यहाँ पे गाइस पता नहीं मैंने क्या क्या उठा के रख लिया था भाई, गैस कैन वगैरह पता नहीं, गैस कैन तो मैं कभी नहीं लेता। तो यहाँ पे गाइस गिराते हैं सब कुछ जो बेकार की चीज थी, और यहाँ पे गाइस थोड़ी सी और लूट वगैरह करेंगे और फिर निकलते हैं इधर से। भैया जब मैंने छत की तरफ देखा ना, सच में मेरे को यकीन नहीं हुआ अपनी आंखों में, मतलब 3-4 बंदे भैया कैंप मारे दबा के, क्या ही बचा। मतलब यहाँ पे मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, अगर थोड़ी देर और बाहर रहता ना मैं, बहुत गंदे स्प्रे आते। और यार ये वाला ग्लिच कब फिक्स होगा, मतलब मेरे साथ कई बार होता है भाई, नेड में फेंकना नहीं चाहता अपने आप भैया छुट जाता है एकदम से, तो ये अलग ही लेवल का ग्लिच है। खैर तो गाइस थोड़ा सा पीछे आते हैं, यहाँ पे हीलिंग वगैरह करते हैं और फिर जाते हैं बंदों पर रश मारने। यहाँ पे एक बंदे को मैं नॉक कर देता हूँ, और भाई जो बचे कुछ है उन पे भी रश मारते हैं। और यहाँ पे कैसे इस तरह एक भी है, तो भाई नीचे कमेंट करके जरूर बताना अगर आपको मतलब मिल जाए।
यहाँ पे यार उस ईस्टर एग के बारे में मेरे को भी अभी नहीं पता था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सोच रहा था कि भाई लास्ट वाला बंदा है कहाँ पे, तो मैं इसलिए थोड़ी देर मार नहीं रहा था कि क्या पता ये बंदे कुछ बोले या फिर अपने बंदे को बुलाए और इनका बंदा कहीं से आया भैया क्रिश की तरह बाइक वाइक लेकर उड़ा के बिल्कुल और इनको बचा ले। लेकिन यहाँ पे इनका बंदा तो मेरे को मिलता नहीं है, तो भाई थोड़ी सी लूट वगैरह करते हैं और फिर निकलते हैं इधर से। तो यहाँ पे गए, जैसे मैं डासा लेने आता हूँ भाई, मैं देखता हूँ पीछे भैया वीआईपी बैठा है बहुत मजे में और हाथ में कोई गन वगैरह कुछ नहीं है। तो यहाँ पे मेरे को कोई डर तो था नहीं कि भाई पीछे से एकदम जिंदा होकर मेरे को निपटा देगा ये। तो थोड़ी देर इसके साथ ऐसे मजे लेते हैं, थोड़ा इधर उधर घुमाते हैं इसे, मतलब दिखाते हैं रंगल कैसा है। लेकिन भैया इतने में मेरे को ये गाड़ी दिख जाती है, तो इनको पकड़ते हैं पहले। यहाँ पे भैया जी लूटने लगे थे लेकिन भाई कर देते हैं खत्म और गैस अपने एनिमी को किडनैप करते हैं और थोड़ा सा घुमाते हैं इसे। मतलब अगर ये बंदा देख रहा हो, मान लो अगर ये ऑफलाइन ना हो सिर्फ एक्टिंग कर रहा हो, तो सोचो भाई कितना मजा आ रहा होगा इस बंदे को। क्योंकि मैं नहीं मारता तो कोई और मार देता थोड़ी देर में, क्योंकि अगर मेरे को कोई गाड़ी चेज करती वो गोली मारता तो सबसे पहले इसको ही लगती, और कहीं मैं रश मारता और गाड़ी रोक के मैं तो उतर जाता कवर में चला जाता, लेकिन भाई इस बंदे को कोई नहीं छोड़ता यहाँ पे। तो अब गाइस मैं आता हूँ स्कूल की तरफ और भाई ये बंदे के मेरे को फुटस्टेप्स आता है, जो कि बंदा मेरे को दिख भी जाता है, तो भाई निपटाते हैं इसे। और भाई पूरा खत्म कर देते हैं, और जैसे ही इस बंदे को मैं निपटाता हूँ भाई पीछे से आती है बाइक की साउंड, और मैं समझ चुका था भैया क्यों रुकी है वो बाइक वहाँ पे गाड़ी बदलने के लिए। और यहाँ पे भैया मैं कुचलने का प्लान था लेकिन बच जाता हूँ मैं। अगर इस बंदे के हाथ में पैन नहीं होता ना यहाँ पे, तो सोचो भाई क्या ही होता, क्योंकि मेरी गन रिलोड पे जा चुकी थी, मुझे गन बदलनी पड़ी एकदम। और पीछे से भैया एक और कार की साउंड आती है, तो शायद इनके बंदे हैं वो भी। जिनको मैं हल्की सी हिट देता हूं तो भैया के रश मारते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ी लूट वगैरह करते हैं यार। तो मुझे लगा था भाई इस वाले अपार्टमेंट में कैम चल रहा होगा, लेकिन यहाँ पे नहीं थे बंदे, लेकिन सामने वाले में थे। और भाई शायद गाड़ी वाले ये थे क्योंकि ये नीचे थे, और ऊपर शायद कोई और बंदे हैं, तो भाई देखते हैं जाके। तो यहाँ पे इस बंदे को मैं थोड़ा सा डैमेज देता हूँ, लेकिन भाई ये बंदा भी बदले में देता है, काफी ज्यादा देता है बल्कि। तो यहाँ पे थोड़ी सी हीलिंग करते हैं पहले। और भैया जी ऊपर से नेड़े वगैरह फेंक रहे, तो फेंकने दो, थोड़ी देर हम यहीं पे मजे करेंगे। और फिर से भैया पिन खींचता है, तो मैं फिर से नीचे आता हूँ और सोचता हूँ कि अपनी हेल्थ पूरी कर लेते हैं यार, मतलब फुल हेल्थ अच्छी रहेगी सेहत के लिए, क्योंकि दो बंदे हैं यार ऊपर, एक नहीं है। और अब जाकर रश मार देंगे। और भाई एक नेड़ भी मिल जाता है मेरे को, वैसे मेरे पास दो थे ऑलरेडी, लेकिन एक और मिल गया, तो यहाँ पे थोड़ा नेड़ वगैरह का यूज करेंगे। तो
यहाँ पे बस मेरे को इस बंदे को यहाँ से हटाना था कि जिससे ये टीपीपी ना ले। और भाई ये नेड मैंने फेंके इतने सारे, तो ये बंदा डर गया होगा कि भाई क्या पता और नेड फेंक रहा हूँ, तो भाई इसलिए हट जाएगा वो। तो यहाँ पे गाइस ये वाली जंप एंड शूट मस्त लगी हो तो भाई लाइक और सब्सक्राइब मारो जल्दी से। और यार नीचे वाले फ्लोर पे एक और बंदा है, उसको भी ढूंढते हैं। मुझे लगा था भाई दोनों ऊपर छत पे कैंप मार रहे हैं, लेकिन एक नीचे था। और फुटस्टेप्स यार ऐसे आ रहे थे जैसे इस साइड में है, तो इस वाले फ्लोर पे तो मेरे को मिलता नहीं है वो, तो इस वाले पे चेक करते हैं। और यहीं पे बैठे थे भैया जी कोने में, तो भाई कर देते खत्म इस वाले बंदे को भी। और भाई लूट क्या ही मसले रखी थी इस बंदे ने, एटेक्स वगैरह मिलेगा मेरे को यहाँ पे। तो यहाँ पे गाइस हम फिर से पोचिंग की मैं, और भाई सामने फ्लड ड्रॉप आई थी तो जाना तो पड़ेगा यार यहाँ पे। और इन वाले घरों में यार लड़ने का अलग ही मजा है कसम से। पहले ये गेट बंद करता हूँ मैं, क्योंकि भैया दिख भी जाए उन्हें कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये भैया जी हमारे ऊपर नेड फेंकना चाह रहे थे, लेकिन मैं नोक कर देता हूँ इस बंदे को। तो यहाँ पे बंदा एएफके था शायद से। और भाई जब मैं इसका डब्बा खोल के देखता हूँ ना भाई, तो मेरे को इतना माल मिलता है, इतना माल मेरे को कहीं नहीं मिलता भाई कसम से। तो ये बंदा शायद पानी पानी पीने गया हो और भाई सोच रहा होगा कि भाई अपने पे M249 और AWM में जाके मजे करेंगे बिल्कुल। लेकिन भाई जब वापस आएगा तो इसे एक प्यारा सा मैसेज मिलेगा, और वो तुम्हें पता ही है क्या मैसेज होता है वो। तो यहाँ पे जब मैं लूट कर रहा था तो भाई एक बग्गी की साउंड आती है जो कि आगे जाके रुक जाती है यहाँ पे। तो भाई जाके रश मारते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जिट का बटन भाई पहले दबा दिया था, लेकिन उतर के नहीं दे रहा था भाई। बंदा यहाँ पे मना कर रहा था मेरे को कि भाई मैं नहीं उतर रहा यहाँ पे। लेकिन अगर थोड़ी देर में बंदा नहीं उतरता ना, तो भाई गाड़ी फूट जाती यहाँ पे, और गाड़ी नहीं फूटती तो भाई मैं तो गया ही था वहाँ पे। तो यहाँ पे भाई सामने से डीपी पड़ रही थी कहीं से, लेकिन भाई बंदा बिल्कुल नहीं दिख रहा भाई, मार कहाँ से रहा है यहाँ पे। और अब SKS भी पड़ने लगी है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा देख रहा था कि भाई कौन मार रहा है भैया, कहाँ से मार रहा है, क्यों मार रहा है यार। तो यहाँ पे गाइस काफी देर हो गई थी भाई, बंदा तो दिखता नहीं है मेरे को, तो भाई जाके रश मार देते हैं। अब भैया मेरे को क्लियर साउंड आते हैं तो पता चलता है कि भैया सपेरा है वो, तो मतलब मैं जहाँ देख रहा था वहां पे था ही नहीं बंदा। तो यहाँ पे गाइस कुचल देते हैं इस वाले बंदे को भी। और गाइस लास्ट वाला बंदा ढूंढने में तुम्हें पता ही है मेरे को ज्यादातर बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बस देखते जाओ यहाँ पे कितनी मेहनत लगती है। तो यहाँ पे गाइस मैं कम से कम 5-6 मिनट घूमा था, लेकिन भाई थोड़ा फास्ट में दिखाता हूँ तुम्हें। मतलब ऐसा कोई कोना नहीं था जो कि मैंने इस वाली जोन में नहीं छान लिया वो। लेकिन भैया जी दिख के नहीं देते यहाँ पे, पता नहीं कहीं थे। और भाई गाड़ी का पेट्रोल देखो तुम, खत्म है किसी भी टाइम बोल सकती है गाड़ी, और जो कि बोल भी जाती है। भैया खत्म हो चुका है यहाँ पे, ये कैरियर में नहीं जा रही कहीं भी अब। और जैसे भी हम गाड़ी से उतरते हैं और थोड़ा सा राइट में नजर मारते हैं, दिख जाती है हमें हमारी प्यारी सी नागिन। तो यहाँ पे बंदा घासों में लेटा, तो भाई सोच रहा होगा कि भाई मेरे को कौन देख पाएगा, लेकिन भाई दूर से घास सरेंडर नहीं होती भाई। तो कैसे आज की वीडियो में, अगर आपको वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, मेरे दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करो जो नए बंदे हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच गाइस। और हाँ गाइस गेमिंग घर को चेकआउट कर लेना, लिंक इन डिस्क्रिप्शन।